हूं कि गत दस वर्ष में जिसको जो रास्ता सुझा उस प्रकार से संसद में सबने अपना अपना कार्य किया लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जिनको आदतन हृदंग करने का स्वभाव बन गया है जो आदतन लोकतांत्रिक मूल्यों का चीरहरण करते हैं ऐसे सभी माननीय सांसद आज जब आखिरी सत्र में मिल रहे हैं तब जरूर आत्मनिरीक्षण करेंगे कि दस साल में उन्होंने जो किया अपने संसदीय क्षेत्र में भी सौ लोगों को पूछ ले किसी को याद नहीं होगा किसी को नाम भी पता नहीं होगा जिन्होंने इतना हुड़दंग होल्ला किया होगा लेकिन विरोध का स्वर तीखा क्यों ना हो आलोचना तीखी से तीखी क्यों ना हो लेकिन जिसने सदन में उत्तम विचारों से सदन को लाभान्वित किया होगा उनको बहुत बड़ा वर्ग आज भी याद करता होगा आने वाले दिनों में भी जब सदन की चर्चाएं कोई देखेगा तो उनका एक एक शब्द इतिहास की तबारीख बनकर के उजागर होगा और इसलिए जिन्होंने भले विरोध का किया होगा लेकिन बुद्धि प्रतिभा का दर्शन कराया होगा देश के सामान्य मानवीय हितों का कंसन दिखाया होगा हमारे खिलाफ तीखे से की प्रतिक्रिया की होगी उसके बावजूद भी मैं अवश्य मानता हूं कि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग लोकतंत्र प्रेमी सभी लोग इस व्यवहार की सराहना करते होंगे लेकिन जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ नकारात्मकता हदंग शरारतपूर्ण व्यवहार ये जो किया होगा उनको शायद ही कोई याद करे लेकिन अब ये बजट सत्र अवसर है पश्चाताप का भी अवसर है कुछ अच्छे फुटप्रिंट छोड़ने का भी अवसर है तो मैं ऐसे सभी माननीय सांसदों से आग्रह करूंगा कि आप इस अवसर को जाने मत दीजिए उत्तम से उत्तम परफॉर्म कीजिए देश हित में उत्तम से उत्तम अपने विचारों का लाभ सदन को दें और देश को भी उत्साह और उमंग से भर दें मुझे भी एन टी टाइम जनता की बात जनता के साथ